मुख्यमंत्री जी, पहला सवाल आप ही से कह रहे हैं। आप लोगों ने पिछली बार बड़ी अच्छी झोली भरी थी मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन क्या इस बार कड़ी चुनौती है? छिंदवाड़ा पहले मुश्किल हुआ करता था, अब दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ में उतर गए हैं, कह रहे हैं कुछ सीटें फंस गई हैं बीजेपी के लिए, जवाब दीजिए। अंजना जी, पहले झोली में 28 कमल आए थे, इस बार 29 के 29 आएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 सीटें जीतेगी, और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी की स्वीकारोक्ति है, पूरे देश में मोदी की लहर है, वेव है, और हम देश में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक छोटा सा कमेंट और आपसे, 102 सीटों पर पहले दौर की वोटिंग के बाद ये जो आप लोग पाकिस्तान पहुंच गए हैं, मंगलसूत्र पर पहुंच गए हैं, मुस्लिम पर पहुंच गए, वो कह रहे हैं डर गई है बीजेपी इसीलिए ये सब कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने। ये तो मीडिया का परसेप्शन हो सकता है और फेस सेविंग के लिए कांग्रेस का बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ना डरी है और ना सहमी है। हम जिन मुद्दों को लेकर पहले दिन से चुनाव में थे वही मुद्दे आज भी हैं। हमने हमारे 2024 के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में कहा था कि मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी है गरीब के कल्याण की, मोदी की गारंटी है शहर के विकास की, मोदी की गारंटी है गांव के विकास की, मोदी की गारंटी है मध्यम वर्ग के उन्नयन की, मोदी की गारंटी है युवा को रोजगार देने की, मोदी की गारंटी है श्रमिक की को सही स्थान देने की, ड्राइवर्स को से लेकर और इस देश में रहने वाले हर वर्ग के कल्याण की, विश्व बंधु के रूप में भारत को स्थापित करने की, वो मुद्दे आज भी हैं और वो मुद्दे चुनाव में हैं। उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। ये तो जबरदस्ती का परसेप्शन बनाया जा रहा है। 102 सीटों में भी अंजना जी हम बहुत अच्छे से जीतने वाले हैं। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए, मोर्चा संभालिए। मंत्री जी कह रहे पिछले बार 28 कमल दिए थे, इस बार 29 देंगे। आप सोचिए ना, यही सीट देख लीजिए सर, 84 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कांग्रेस यहां वापसी कर ही नहीं पाई। राजगढ़ ही लीजिए, 33 साल बाद दिग्विजय सिंह इसलिए उतरे क्योंकि 14-19 में उन्हीं के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी। सीट दर सीट बीजेपी का वर्चस्व यहां पर बोलता है। 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक रही है। प्रधानमंत्री जी को 28 सीटें दी, मगर एक बार सवाल पूछिए मंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को क्या दिया, प्रधानमंत्री जी ने देश को क्या दिया। आज हनुमान जयंती है, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ओ मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो। लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो। तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में, तुम हो जो रावण के अनुयायी बन बैठे, तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। गर्जना करो, हुंकार करो, अपने पौरुष की प्रत्यंचा टंकारो। ओ मेरे युग के हनुमानों, ओ भारतीय जनता पार्टी के हनुमानों, पूछिए तो सही एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। प्रधानमंत्री जी सच मानिए, आपके आने के बाद 2014 के बाद, एक सेकंड आपको टोकूं, एक सेकंड, आपने कविता तो बड़ी अच्छी सुनाई, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी के हनुमानों, तो आप जनता को पहले से इनके हनुमान बता दे रहे हैं। ये सारी जनता देश भर के हनुमान है। अभी कर्नाटका में दिखाया ना हनुमान जी ने, एक गदा घुमा कर दिया, बहुत हनुमान जी का राग अलाप रहे थे। कर्नाटका में क्या हुआ, तो हनुमान जी से पूछा जब कर्नाटक की लंका जलाए, कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपी ही है राघव आगे। हनुमान जी ने कहा हृदय में राघव है, बोले कपी ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रहे हैं। अंजना जी मैं बड़ा व्यथित था 2014 के बाद, ये जो भारतवर्ष का उदय है ना, उसके पहले दाल और तेल, आप कल्पना कीजिए 60 रुपए मात्र की दाल और 70 रुपए के तेल में बगार लगाकर 400 रुपए के गैस के सिलेंडर पर बगार लगाना पड़ता था, कोई सेहत बनती क्या? प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेहत का ध्यान रखा, 1000 रुपए के पार गैस का सिलेंडर, कहा देश के नागरिकों सेहत बनाइए, 200 रुपए की दाल खाइए और 200 रुपए के तेल में बगार लगाइए। प्रधानमंत्री जी जब आए यहाँ तो लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति खराब हो रही है, भ्रष्टाचार में भारत पूरे देश में कह रही, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा रुक जाइए, समाधान निकालता हूं।
उन्होंने बुलाया विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरा बंधु, सारों को एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती में फिर अवसर आया, फिर ट्रांसपेरेंसी, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या उपाय निकाला? उसका कोई प्रधानमंत्री जी ने उपाय निकाला कि अब सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लूंगा। और एक के बाद आप लोग ठीक है, हाथ उठाइए, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है, जल्दी आइए। अच्छा, दोनों एमपी वाले हैं तो आपस में पिटेंगे। मेरा अभय जी से सवाल है कि राम मंदिर बना तो ये आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अगर खुश हैं तो निमंत्रण क्यों ठुकराया, और नहीं खुश हैं तो जवाब दें। देखिए, बहुत अच्छा साधुवाद देता हूं मैं आपको। हमारे शंकराचार्य जी जो चारों पीठ के शंकराचार्य के व्यथित थे, प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी पोष के मास में आप मुहूर्त मत निकालिए मंदिर के उद्घाटन का। जानते क्या हुआ था? राजा दशरथ गए एक बार गुरु वशिष्ठ के पास, जिस कुल का मैं हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुलगुरु थे, उनसे कहा कि राम के हमको राज्याभिषेक करना है, मुहूर्त निकालिए। तो उन्होंने कहा बेगू विलंब न करिए, रब साजिए सबुई समाजू, सुतिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराजू। क्या हुआ अगले दिन? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस भय वनवासी, 14 वर्ष का वनवास हुआ, मुहूर्त नहीं माना। तो फिर उन्होंने कहा कि शिखर पूरा हो जाने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारी सनातन धर्म की मान्यता है। क्या जवाब दिया जानते हैं आप? आजाद भारत के इतिहास में आजाद नहीं, सनातन के इतिहास में। बच्चे ने तो बस पूछा था कि अभय दुबे जी के दिल में क्या है। सीधे सीधे जवाब में एक लाइन में आप जवाब दीजिए, इतना घुमा फिरा के जवाब नहीं होता है। एक जवाब दीजिए एक लाइन में। आप खुश है कि नहीं, बस इतना पूछ रहा है। बट खुश, एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, मैं प्रसन्न हूँ, हृदय से प्रसन्न। लंबा लंबा जवाब हो रहा है ना सर, उनको मौका नहीं मिल रहा है। बस इसके बाद हम तो पहले दिन से कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे, जो न्यायालय निर्णय देगी, क्योंकि हमारे संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अटल जी का भाषण सुनिए अडवाणी जी का, उन्होंने कहा कोई आस्था मेरी, कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं देती, सत्ता दीजिए मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता आई तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं। जब पूर्ण बहुमत दुबे जी कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है राम मंदिर बनने से, यही कह रहे हैं ना? और कौन भारतवंशी खुश नहीं होगा? बस पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया, अब अगले सवाल पर। आपने सनातन का उदाहरण दिया, आपके साथ ही आपके साथ जो इंडी अलायंस में पार्टी है, उदयनिधि स्टालिन जी की मैं बात कर रहा हूं, इसी सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू का उदाहरण दिया था, तो इस पर आपका क्या विचार है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सनातन किसी को कांग्रेस से भी सवाल पूछना है या सारे बीजेपी से ही पूछेंगे आज? कांग्रेस से, बीजेपी से भी पूछना है किसी को, जवाब दीजिए। हमारे सनातन धर्म में परिभाषा दी है उसकी, आचार हीनम न पुनन्ति वेद, जो आचरणहीन लोग हैं सनातन की बुराई कर रहे हैं, वेद भी पुनित नहीं कर सकते। लेकिन एक बार साहस जुटाइए, संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाने की, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी माता पिता और माता के संबंधों में इतना घृणित बयान दिया, और उस बयान देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। जीतन राम मांझी, जिसने कहा कि राम के अस्तित्व को नहीं मानता और आज भी अपने बयान पर कायम है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया। एक बार सवाल उनसे भी पूछिए। ठीक, आदरणीय विश्वास जी, जी मेरा, तो बीजेपी से सवाल आया, मेरा निवेदन यह एक साथ जवाब दे, मेरा ये निवेदन है कि बहुत समय अभय जी को मिला है और अभय जी ने बहुत सारी बातें की हैं, मुझे लगता है कि उनका जवाब देने का दे मेरा भी अधिकार है। बहुत अच्छी बात बोली, और बड़ा अभय जी बड़ा विद्वान है, कविता भी याद करके आते हैं, कौन लिखता है मुझे नहीं मालूम, पर याद तो करके आते ही हैं। बड़ी चौपाइयों की भी बात कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कि खिंचाई कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इनकी बड़ाई कर रहा हूं, इतने विद्वान है कोई बात ही नहीं है। मैं अंजना जी आपके माध्यम से अभय जी से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत बात की राम की, राम की भक्ति की, आपने कहा खुश हैं, आप ये बताइए ना, आप बड़ी तथ्यात्मक बात करते हैं, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने का हलफनामा क्यों दिया, इसका आप जवाब देंगे? आप इस बात का जवाब देंगे? आपने बहुत बातें की कर्नाटक की, पर आप भूल गए कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हमने जीता, राजस्थान भी हमने जीता, आप भूल रहे हो। अभय जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आप कितनी भी चौपाइयां पढ़ लो, आप कितनी भी राम मंदिर बनने के बाद कहो मैं बहुत खुश हूं, पर इस देश की जनता जानती है कि जवाहरलाल नेहरू राम मंदिर बनाने के विरोधी थे, वो बाबर की कब्र पर जाते थे। गलत बात,
बिल्कुल गलत। इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पर गई, राजीव गांधी बाबर की कब्र पर गए, पर हमारे युवा ने बोला ना कांग्रेस को निमंत्रण मिला राम मंदिर में जाने का तो उसको उन्होंने ठुकरा दिया। बाबर की कब्र पर जाने का समय है, पर राम के मंदिर में जाने का इन कांग्रेसियों का समय नहीं है। देखिए आप लोगों ने चुनावी पारा इतना बढ़ा दिया कि ये बच्ची आइसक्रीम लेकर आ गई। चलिए बात पूरी कीजिए। विश्वास जी जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कैलाश सारंग जी जिस राजनीतिक शुचिता के लिए वो परिवार जाना चाहता है, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपने दामन की स्याही तो मिटा लो पहले हम पे इल्जाम लगाने वालों। ये मुकदमा किसने लगाया था और कब का था? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गए तमिलनाडु, जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे, अकाली दल के नेता बादल साहब उनके साथ थे। उन्होंने भाषण दिया कि अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करूंगा, और वही 11 नंबर का अलाइनमेंट जिस पर राम सेतु है उसको तोड़ने का संकल्प लिया 2000-2001 के भाषण में, देख लीजिए बजटरी प्रोविजन किया जब यशवंत सिन्हा मंत्री थे। सुन लीजिए, पता लग गया कांग्रेसियों को, कांग्रेस प्रवक्ता को झूठ बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अरे राम मंदिर, राम सेतु तोड़ने का, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र केवल और केवल सोनिया गांधी ने किया था। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र सोनिया गांधी जी ने किया था। कार्रवाई की। अब सवाल ले ले, एक दो सवाल ले ले और थोड़ा विषय पर आज पर अटकते, 24 पर अटकिए, आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। विश्वास जी मेरा आपसे सवाल है। मैं नहीं जा रहा, ये विश्वास जी मेरा देखो अभय जी के साथ प्रॉब्लम। मंत्री जी सवाल है आपसे। हाँ जी, अभय जी क्या होता है कि जब आते हैं ना किसी डिस्कशन में तो वो अपने टेबल पर जो पेपर रहता है वो लेके आ जाते हैं, इनको याद नहीं रहता कि कौन सा है, इसलिए खेत की बात पर खलिहान पर पहुंच जाते हैं। और कुछ नहीं है, वो भी ये लीजिए। विश्वास जी आप बहुत विश्वास से कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपका पूरा धरती क्यों डोल रही है? वो भोपाल जहां हम खड़े हैं, मोदी जी को गली गली जो है वोट की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? यहां तो आपका दावा रहता है कि 35 साल से हमने जिसकी दुम पे बांधा वो कमल से जीत गया, तो आज क्यों मोदी जी को यहां आना पड़ रहा है, क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है? भोपाल में रोड शो कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं, इस पर उनका सवाल। चलिए वैसे हालांकि मैं मानती हूँ कि आपने जो भाषा इस्तेमाल की वो सही नहीं है, किसी के दुम पर टिकट बांध देना, थोड़ा बचना चाहिए इस तरह की भाषा से। हम सब को मर्यादित भाषा बोलें। अंजना जी ठीक है, अंजना नहीं नहीं किसकी ठीक है, प्रधानमंत्री भोपाल में रोड शो कर रहे हैं अंजना जी, उस पर आपका जवाब। अंजना जी मैं एक बात को लेकर आज तक को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं अकेला भाजपा से ये जिनने क्वेश्चन पूछा ये भी भारतीय ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप शायद जानती नहीं है उनको। मैं वाकई नहीं जानती। ये भी प्रवक्ता है, दूर से हंस रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अरे इनके मतलब दिल में जो मलाल रह गई कि अभय दुबे जी टीवी पर भी रहते हैं, मंच पर भी रहते हैं, तो अपने मलाल निकालने आ गए थे। जवाब दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आपसे पूछ सकता है, जवाब दीजिए कि कांग्रेस मेरे से डबल्स में खेल रही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आश्चर्य है, रवि सक्सेना जी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभय जी पूरी तरह से लोहा नहीं ले पा रहे थे तो वो साथ में आ गए, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य है अंजना जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो कार्डर बेस्ड पार्टी है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, दुनिया का सबसे बड़ा नेता भी यदि चुनाव होते हैं तो वो आता है, जनता के बीच जाता है। आप जनता के वोट मांगने को भीख कह रहे, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, ये कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। हम यदि जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगना रहे, ये लोकतंत्र है भाई, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन, जनता के बीच जाकर वोट मांगना भीख मांगना नहीं है रवि सक्सेना जी, ये जनता का आदर करना। आप क्या जानो, आपके नेता तो अमेठी से भगकर वायनाड पहुंच गए, और अब मैं देख रहा हूं, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बने बनाए दौरे में राहुल गांधी नहीं आते, कहते तबीयत खराब हो गई, तो हमारे नेता की तबीयत तो खराब नहीं हो रही भाई,